वेलकम बैक। सो वी आर नाउ इन सेकंड पार्ट ऑफ द कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। और यहाँ पर जो हमने देखना है वो हमने रिजीम्स देखने हैं। रिजीम्स हमने यहाँ पे देखने हैं। जहाँ तक रिजीम्स की बात है, बिफोर गोइंग टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, वी मस्ट नो जो रिजीम है, इसके लिए हम कभी कभार कहते हैं, हम इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं, गवर्नमेंट सिस्टम, रूल, मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हम सिनोनिमसली इस्तेमाल करते हैं, सारे वर्ड्स रिजीम के लिए। और इसी तरह से जब हम इस रिजीम का जो ओरिजिन देखते हैं, तो कुछ थिंकर्स कहते हैं इसका जो ओरिजिन है वो लेटिन इटालियन लैंग्वेज में है, और कुछ कहते हैं फ्रेंच लैंग्वेज में। और पहली बार जो ये वर्ड है रिजीम, ये कब इस्तेमाल हुआ? पहली मर्तबा ये इस्तेमाल हुआ 1776 में। 1776 में इस्तेमाल हुआ। लेकिन जो फ्रेंच वर्ड रिजीम है, ये वाला जो इस्तेमाल हुआ ये 1792 में हुआ, 1792 में हुआ। तो ये कहा गया, ये वाला जो फ्रेंच वर्ड है ये ओल्ड फ्रेंच वर्ड से निकला। वो ओल्ड फ्रेंच टर्म क्या थी, फ्रेंच वर्ड क्या था? वो ओल्ड फ्रेंच वर्ड वो था रेजिमेंट। और ये रेजिमेंट जो है ये 14th century में वजूद में आया था। 14th century के दौरान इसको, इसका जो है इस्तेमाल हुआ है। और जनरली जब हम कहते हैं ये जो रिजीम है, इसका एक नॉर्मल स्टांस, इसका जो नॉर्मल मीनिंग है वो क्या है? हम कहते हैं इट इज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, या हम कहते हैं रूल और मैनेजमेंट बाय द गवर्नमेंट, मैनेजमेंट बाय द गवर्नमेंट। तो इसी तरह जब हम रिजीम्स को पढ़ते हैं तो बहुत सारे रिजीम्स हम देख सकते हैं, जिनमें लाइक अथॉरिटेरियन रिजीम आती है, डेमोक्रेटिक रिजीम आती है, मेजॉरिटेरियनिज्म आती है, या इनमें मिलिट्री डिक्टेटरशिप आती है, टोटलिटेरियन आती है। तो डिफरेंट रिजीम्स आते हैं, और मोस्टली जो ये रिजीम्स है, ज़्यादातर वर्ड जो इस्तेमाल हुआ है रिजीम, ये ज़्यादातर मिलिट्री डिक्टेटरशिप के साथ इस्तेमाल होता है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप के लिए इस्तेमाल होता है। तो इनकी जब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं तो बहुत सारे ये जो रिजीम्स है ये वजूद में आती है। जैसे हम क्लासिकल टाइम से देखते हैं, क्लासिकल टाइम्स से जब हम देखते हैं तो बहुत सारी रिजीम्स है, बहुत सारी इनके जो टाइप्स है वो हम देख सकते हैं। चाहे इनमें अथॉरिटेरियनिज्म हो, मिलिट्री रिजीम्स हो, या मिलिट्री डिक्टेटरशिप जिनको हम कहते हैं, टोटलिटेरियनिज्म है, डेमोक्रेटिक रिजीम है, मेजॉरिटेरियनिज्म है, फिर इनमें वेस्टर्न पॉलियार्चीज आती है, या राइटिस्ट्स लेफ्टिस्ट्स आते हैं, वो सारे इन रिजीम्स में आते हैं। और यहाँ पर जब हम देखते हैं तो पहली बात जो हम करते हैं किस रिजीम की, वो है अथॉरिटेरियन रिजीम।
अथॉरिटेरियन रिजीम। और जहां तक अथॉरिटेरियन रिजीम की बात है, ये वो रिजीम होती है जहां पर हम देखते हैं जो पॉलिटिकल प्लूरलिज्म होता है, ये बहुत कम होता है। मिनिमल पॉलिटिकल प्लूरलिज्म, मिनिमम पॉलिटिकल प्लूरलिज्म। तो अथॉरिटेरियनिज्म में पहली बात जो है वो मिनिमम पॉलिटिकल प्लूरलिज्म होता है। इसी तरह यहां पर जो रूल होता है वो वन पर्सन हो सकता है, वन स्मॉल ग्रुप हो सकता है, या वन पार्टी हो सकता है। तो अथॉरिटेरियन रिजीम जो है, यहां ज्यादातर आपको पॉलिटिकल प्लूरलिज्म नजर नहीं आएगा। वन पर्सन रूल करेगा, या वन ग्रुप होगा वो, या वन पार्टी होगी जो कि रूल करते हैं। और यहां पर जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर होती है, जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर होती है यहां पे, वो इसी लीडर के पास होती है, इसी ग्रुप के पास होती है, इसी पार्टी के पास रहती है। और ये लोग जो हैं, चाहे वो ग्रुप के पास हो, पार्टी के पास हो, या एक इस पर्सन के पास हो, ये कॉन्स्टिट्यूशनली लोगों को रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली नॉट रिस्पॉन्सिबल, ये कॉन्स्टिट्यूशनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। और जब हम इस अथॉरिटेरियन रिजीम को देखते हैं तो वहां पर बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं जो डिपिक्ट करते हैं कि अथॉरिटेरियन रिजीम में किस तरह का सिस्टम होता है। जैसे अभी हमने मैंने जनरली छेड़ा कि अथॉरिटेरियन रिजीम वो रिजीम होती है जहां पर रूल या तो वन पर्सन करेगा, या वन ग्रुप करेगा, या वन पार्टी करेगी। और कंसंट्रेशन ऑफ पावर, यानी पावर जो है, ये इसी एक पर्सन, एक ग्रुप या एक पार्टी के पास रहती है। और ये लोगों को किसी भी तरह के वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहते हैं, जिस तरह से डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम्स में लीडर्स जो है अपने एक्ट्स के लिए या डेवलपमेंट के लिए लोगों को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है। एक और चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पर जो पॉलिटिकल प्लूरलिज्म है, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज का बनना, प्रेशर ग्रुप्स का वजूद में आना, इंटरेस्ट ग्रुप्स का वजूद में आना, एसोसिएशंस यूनियंस का वजूद में आना, वो यहाँ पर ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर लिमिटेड या मिनिमल पॉलिटिकल प्लूरलिज्म है। वो जो अथॉरिटेरियन रिजीम है, यहाँ पर कोई फ्री या फेयर इलेक्शंस नहीं होते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस यहाँ पर नहीं होते हैं। और हाँ, अगर यहाँ पर कभी इलेक्शंस हुए, वो इलेक्शंस का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही होता है टू गेट लेजिटिमेसी। अपने इस अथॉरिटेरियन रूल को दुनिया की नज़रों में लेजिटिमेट कराने के लिए, जस्टिफाइड ठहराने के लिए, आप कभी कभार यहाँ इलेक्शंस कराते हो, कभी कभार यहाँ पर इलेक्शंस कराते हो। और जो ये अथॉरिटेरियन रिजीम्स होती है, जिनमें हम कहते हैं रूल बाय वन पर्सन, वन पार्टी या वन ग्रुप, यहाँ तो कंसंट्रेशन ऑफ पावर भी इन्हीं के हाथ में रहती है, और ये लोगों का रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। लिमिटेड पॉलिटिकल प्लूरलिज्म है यहाँ पर, कोई फेयर इलेक्शन यहाँ पे नहीं होते हैं। कभी कभार अगर इलेक्शन इन्होंने कराए, वो सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन की नज़रों में लेजिटिमेसी अचीव करनी है, लेजिटिमेसी अचीव करनी है। तो ये अथॉरिटेरियन रिजीम ऑटोक्रेटिक होती है, ऑटोक्रेटिक होती है, या इनको हम कह सकते हैं ये जिस तरह एरिस्टोटल ने कहा था, गवर्नमेंट बाय द रिच,
उसको हम कहते हैं ओलिगार्किक या ओलिगार्चिक। इसी तरह हम यहां पर कहते हैं ऑटोक्रेटिक और ओलिगार्किक के अलावा हम यहां पर कहते हैं जो आम सी फॉर्म है अथॉरिटेरियन रिजीम्स की वो है मिलिट्री डिक्टेटरशिप। तो अथॉरिटेरियन रिजीम जो है ये ऑटोक्रेटिक ओलिगार्किक या मिलिट्री डिक्टेटरशिप की सूरत में होती है। और दुनिया में अगर हम देखेंगे वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, मोस्टली वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जो है बहुत सारी अथॉरिटेरियन रिजीम जो है वो वजूद में आ गई वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद। लेकिन टिल मिड 1970s के बाद ये रिजीम्स जो है ये डिक्लाइन हो गई, ये रिजीम्स जो है ये डिक्लाइन हो गई। और यहां पर क्या होता है, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जब mid 1970s तक बहुत सारी अथॉरिटेरियन रिजीम्स वजूद में आई तो धीरे धीरे 70s के बाद वो रिजीम्स खत्म हो गई, डिक्लाइन हो गई। उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन, उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन। तो यहां पर ये जो पॉइंट है ट्रांजिशन वाला, जो ये ट्रांजिशन होता है कहां से कहां तक, ट्रांजिशन फ्रॉम अथॉरिटेरियन सिस्टम और अथॉरिटेरियन रिजीम, अथॉरिटेरियन सिस्टम से लेके अथॉरिटेरियन रिजीम की जो और जो आप ट्रांजिशन कराते हो, तब्दीली आती है अथॉरिटेरियन रिजीम से, जो तब्दीली आती है टुवर्ड्स डेमोक्रेसी। सो चेंज फ्रॉम अथॉरिटेरियन रिजीम टू डेमोक्रेसी, दैट इज नोन एज डेमोक्रेटाइजेशन, दैट इज नोन एज डेमोक्रेटाइजेशन। तो स्लोली ग्रेजुअली यहाँ जो अथॉरिटेरियन रिजीम है ये धीरे धीरे डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स अपनाती है, ट्रेड्स अपनाती है। तो ये जो ट्रांजिशन होता है अथॉरिटेरियन रिजीम से टूवर्ड्स डेमोक्रेसी उसको हम कहते हैं डेमोक्रेटाइजेशन, डेमोक्रेटाइजेशन। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है अथॉरिटेरियन रिजीम के रिलेटेड जो एडम पर्जिवोर्स्की ने कही है, अकॉर्डिंग टू एडम पर्जिवोर्स्की, अकॉर्डिंग टू एडम पर्जिवोर्स्की ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं जो अथॉरिटेरियन रिजीम होती है, जो अथॉरिटेरियंस होते हैं, अथॉरिटेरियन रूलर्स होते हैं, अथॉरिटेरियंस मोस्टली किन का सहारा लेते हैं, लाइज का। तो झूठ पे मबनी होता है, खौफ पे मबनी होती है अथॉरिटेरियन रिजीम, और इसके साथ साथ वो इकोनॉमिक परस्पेक्टिव से डेवलपमेंट भी कराते हैं, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। तो एडम पर्जिवोर्स्की जो है वो कहते हैं जो अथॉरिटेरियंस होते हैं वो झूठ का सहारा लेते हैं, खौफ फैलाते हैं, और डेवलपमेंट परस्पेक्टिव में वो ध्यान देते हैं, डेवलपमेंट परस्पेक्टिव में वो ध्यान देते हैं। इसी तरह जब हम अथॉरिटेरियन रिजीम को डिफाइन करते हैं तो वहां पर एक डेफिनेशन आती है ए आर बाल की। ए आर बाल जो है ये कहते हैं वो सारी स्टेट्स जो इन दो कैटेगरीज में नहीं फॉल होंगी, स्टेट्स जो इन दो कैटेगरीज में हु Do not fall in two categories.
इन दो कैटेगरीज में जो स्टेटस फालनी होती है वो होती है अथॉरिटेरियन। ये दो कैटेगरीज क्या है? एक है डेमोक्रेसी और दूसरी जो है वो है टोटलिटेरियनिज्म। डेमोक्रेसी और टोटलिटेरियनिज्म, तो ये एयरबाल की डेफिनेशन है। वो कहते हैं अथॉरिटेरियन रिजीम हम उसको कहेंगे जो इन दो कैटेगरीज में फालनी होती है। एक वो कहता है डेमोक्रेसी और दूसरा वो कहता है टोटलिटेरियनिज्म। अब यहां पर जो डेमोक्रेसी है ए आर बाल कहते हैं लिबरल डेमोक्रेसी। अब यहां पर जो ये बात है लिबरल डेमोक्रेसी और टोटलिटेरियनिज्म, तो वो स्टेट्स जहां पर लिबरल डेमोक्रेसी हो और टोटलिटेरियनिज्म हो उसके बगैर जो स्टेट्स होंगे वो अथॉरिटेरियन हो सकती है, वो अथॉरिटेरियन हो सकते हैं। लेकिन बात यहां पर ये है व्हाट लिबरल डेमोक्रेसी इज, लिबरल डेमोक्रेसी वाली स्टेट कौन सी होती है? लिबरल डेमोक्रेसी वाली स्टेट वो स्टेट होती है जहां इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, और ये इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है ये किसी भी तरह की जो डिस्क्रिमिनेशन है वो वहां पर नहीं होने देगी। कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, चाहे सोशली बात हो, इकोनॉमिकली बात हो, कल्चरली पॉलिटिकली बात हो, इलेक्टेड गवर्नमेंट किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देगी। ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है लिबरल डेमोक्रेसी में। और यहाँ पर एक चीज़ पहले ही आ गई जिसको हम कहते हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट, दैट मीन्स यहाँ पर जो गवर्नमेंट है दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड दैट वेरी गवर्नमेंट इज नॉट मेकिंग डिस्क्रिमिनेशन अमंगेस्ट पीपल ऑन वेरियस ग्राउंड्स, तो वो लिबरल डेमोक्रेसी है। जहाँ पर लिबरल डेमोक्रेसी हो सकती है वहाँ पर अथॉरिटेरियनिज्म नहीं होगा। और दूसरी चीज़ जो है वो स्टेटस एआर बाल के हिसाब से जो टोटलिटेरियन होंगे, जो स्टेट्स टोटलिटेरियन होंगे वो भी अथॉरिटेरियनिज्म में नहीं आएंगे। और जब हम टोटलिटेरियनिज्म की बात करते हैं तो यहां पर कंट्रोल तो यहां भी सेंटर का रहता है, जिस तरह अथॉरिटेरियनिज्म में कंट्रोल जो है वो सेंट्रल का रहता है, यहां पर भी सेंटर के पास ही रहता है। लेकिन बात यहां पर दूसरी है, अगर अथॉरिटेरियनिज्म में आप बात करते थे पावर की, किसकी पावर की बुनियाद पर आप जंग करते हो, पावर की बुनियाद पर आप लोगों को डराते हो, पावर की बुनियाद पर आप लोगों पे कंट्रोल करते हो, लेकिन टोटलिटेरियनिज्म में पावर की जगह आप जो इंप्लीमेंट करते हो पूरे अवाम पे वो है आइडियोलॉजी। वो क्या है? वो आइडियोलॉजी। तो एआर बाल के हिसाब से जहां लिबरल डेमोक्रेसी हो और टोटलिटेरियनिज्म हो वहां पर अथॉरिटेरियनिज्म नहीं हो सकती, वहां अथॉरिटेरियनिज्म नहीं हो सकती। तो एआर बाल के हिसाब से वो स्टेट्स जो लिबरल डेमोक्रेसी और टोटलिटेरियनिज्म हो इनके बगैर जो स्टेट्स आप देखेंगे वो सारी अथॉरिटेरियन है, वो सारी अथॉरिटेरियन है। उसके बाद दूसरी जो डेफिनेशन देता है वो देता है सी एच डिलन, सी एच डिलन किस तरह से डिफाइन करता है अथॉरिटेरियनिज्म को। सी एच डिलन कहता है जो अथॉरिटी और पावर होती है, अथॉरिटी एंड पावर, ये अथॉरिटी और पावर किसके हाथ में होती है? कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। सो सी एच डिलन कहते हैं अथॉरिटी एंड पावर जब कंसंट्रेट होगा, जब ये किन के हाथ में होगा? कुछ लोगों के हाथ में होगा, इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। लेकिन ये फ्यू यहां पर क्या है? ये फ्यू यहां पर होती है गवर्नमेंट, ये फ्यू यहां पर होती है गवर्नमेंट। सो अकॉर्डिंग टू सी एच डिलन अथॉरिटेरियनिज्म में जो अथॉरिटी एंड पावर है
ये कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में होगा, लेकिन ये गिने चुने लोग जो है, जिनको हम फ्यू या गारमेट कहते हैं, ये किसी भी तरह से लोगों को अपने एक्ट्स के लिए अकाउंटेबल नहीं होंगे, नॉट अकाउंटेबल टू पीपल। ये लोगों को किसी भी तरह रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार नहीं होंगे। तो सीएच डलन के हिसाब से अथॉरिटेरियन रिजीम वो रिजीम है जहां पर अथॉरिटी और पावर कुछ लोगों के हाथ में होगा, जिसको हम गवर्नमेंट कहते हैं, लेकिन ये लोगों को अपने एक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। उसके बाद एक और डेफिनेशन यहाँ पे आती है इबिशल्स की। इबिशल्स की शिल्स यहां पर अथॉरिटेरियन रिजीम को डिफाइन करता है। शिल्स क्या कहता है अथॉरिटेरियन रिजीम में? वो कहता है अथॉरिटेरियन रिजीम या अथॉरिटेरियन सिस्टम वो सिस्टम है जहां पर जो सुप्रीम अथॉरिटी है ये सुप्रीम अथॉरिटी हमेशा किसके पास होगी? वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। तो शिल्स कहते हैं जो ये अथॉरिटेरियन रिजीम है, यहां पर पूरी जो अथॉरिटी है, पूरा जो पावर है, वो एक पर्सन के हाथ में होगा या ग्रुप ऑफ पर्सन के हाथ में होगा। तो जिस तरह से सी एच डिलन कहते थे अथॉरिटी और पावर इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, ये फ्यू समझे ये गवर्नमेंट है, यहां पर ये वन पर्सन गवर्नमेंट है, यहां पर ये ग्रुप ऑफ पर्सन गवर्नमेंट है। जब हम यहां पर कहते हैं फ्यू, ये कोई माइनॉरिटी ग्रुप है या इनको हम कहेंगे कोई छोटी पार्टी है, तो यहां पर भी एक ही पार्टी आ गई। तो यहां पर भी शिल्स कहते हैं वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। वन पर्सन अगर होगा वो भी अथॉरिटेरियन रिजिम है, अथॉरिटेरियन रिजीम है। अगर ग्रुप ऑफ पर्सन है तो ये भी एक पार्टी सी यहाँ पर है इनकी, ये जो ग्रुप ऑफ स्मॉल पर्सन है, तो यहाँ पर भी इसी पार्टी के हाथ में पावर, यहाँ भी इनके पास पावर। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यहाँ पर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसी तरह सेम इज द केस हियर, यहाँ पर भी वो रिस्पॉन्सिबल लोगों को नहीं होते हैं। जो रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर, जिस तरह से वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसी तरह यहाँ पर भी वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं लोगों को, नॉट रिस्पॉन्सिबल टू पीपल। तो ए आर बाल, सी एच डिलन और ई बी शल्स की डेफिनेशन हमने देखी, और इसमें हमने यही पाया कि जो डेमोक्रेटिक या टोटलिटेरियन रिजीम्स होती हैं वो अथॉरिटेरियन से अलग होती है, और सी एच डिलन और शिल्स कहते हैं ये वन पर्सन रूल होगा या फ्यू पर्सन रूल होगा या वन ग्रुप रूल होगा, लेकिन किसी भी तरह से जो ये रूल है अथॉरिटेरियन रिजीम का, ये रिस्पॉन्सिबल लोगों को नहीं होता है। सो दिस वाज जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द अथॉरिटेरियन रिजीम, एंड इसमें जो इसका नेचर आता है, इसके टाइप्स आते हैं, वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे।